Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Sayyid Muhammad Asanaza from mathhimath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 1.3. The statement of the question is x raised to power 2 over 3 plus 54 is equal to 15 into x raised to power 1 over 3. इसको हमने सॉल्व करना है. इसका ये मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं. यहाँ x की पावर 2 over 3 है plus 54 है. यहाँ से 15 into x raised to power 1 over 3 ये actually plus का है. ये equal sign के जब दूसरी साइड पर यहाँ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा. सो ये माइनस 15 into x raised to power 1 over 3 आ जाएगा. अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. यानी यहाँ पे x की पावर 2 over 3 माइनस x की पावर 1 over 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0. अब हम अज्यूम कर लेते हैं, अब हम सपोज कर लेते हैं कि x की पावर 1 over 3 जो है दैट इज इक्वल टू y. सो अब हम इसके दोनों साइड पर जो है ये y स्क्वायर ले लेते हैं. यहाँ पर x की पावर 1 over 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे y का स्क्वायर आ गया. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2 और 1 over 3 मल्टीप्लाई हुए, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 over 3 आ जाएगा. अब देखें हमारे पास यहाँ पे 1 over 3 की वैल्यू भी है जो हमने ये सपोज की थी दैट इज इक्वल टू y, और यहाँ से हमने 2 over 3 की वैल्यू जो है इसको भी फाइंड आउट कर लिया. ये हमारे पास x की पावर 2 over 3 दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर. सो हमने यहाँ पे y स्क्वायर रख दिया, माइनस 15 into x की पावर 1 over 3 दैट इज इक्वल टू y प्लस 54 इज इक्वल टू 0. अब ये देखें कि ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ये आ चुकी है. इस इक्वेशन को अब सॉल्व करने के लिए आप ये देखें तो यहाँ पे 54 को यहाँ पे एक्चुअली 1 है. सो 54 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है, ये 1 और ये 54, ये 1 और ये 54 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ गया 54. अब 54 के आप पेयर्स बना लें. 54 के पेयर्स हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 into 54 आ गया, 2 into 27 आ गया, 3 into 18 आ गया, 6 into 9 आ गया. अब बेसिकली ये हमारे पास 4 पेयर्स बन गए, और भी पेयर्स बन सकते हैं लेकिन इनमें से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 15 आ जाए. देखें 54 प्लस 1 55 आ गया, 54 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 53 आ जाएगा, जो कि किसी सूरत भी 15 नहीं आता, इसलिए ये पेयर जो है ये पॉसिबल नहीं है. 27 में 2 को प्लस किया 29 आ गया, 27 में से 2 को माइनस किया 25 आ गया, ये भी 15 नहीं बनता, यहाँ भी 15 नहीं बनता. यहाँ पे 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 18 में 3 ऐड करेंगे ये 21 आ जाएगा. ये पेयर को, ये पेयर भी हम नहीं ले सकते, और यहाँ पे 9 और 6 को जैसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 18 और 3 वाला पेयर क्यों नहीं ले सकते. 18 और 3 वाला पेयर हम इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ये हमें 15 तो दे देगा, लेकिन ये है कि ये जिस वक्त हम फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जगह पे y माइनस हो सकता है आपके पास 9 आ जाए या 18 आ जाए, और दूसरी साइड पे आपके पास यहाँ पे प्लस में आ जाएगी चीज. चलें इसको मैं कोशिश करूंगा कि मजीद सॉल्व करके आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोस्ट सूटेबल जो पेयर है ये 9 और 6 का है. 9 और 6 ऐड अप करें तो ये 15 आ जाता है. सो हम यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब इन दोनों में से y को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास y कॉमन आया, सो हमारे पास ये y माइनस 9 आ जाएगा. माइनस 6 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास y माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. अब ये देखें हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास y माइनस 9 आया है यहाँ पे भी हमारे पास y माइनस 9 आ जाए.
यहाँ पे हमारे पास सो अब यहाँ पे y माइनस नाइन है, यहाँ भी y माइनस नाइन है, इन दोनों में से y माइनस नाइन को कॉमन ले, यहाँ से y माइनस नाइन गया, पीछे y रह गया, माइनस यहाँ से y माइनस नाइन, मतलब यहाँ से कॉमन लिया तो ये एक्चुअली y माइनस सिक्स आ जाएगा और ये y माइनस नाइन वन टाइम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे y माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यहाँ पे y माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, y अब ये माइनस नाइन है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर प्लस नाइन हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये जब माइनस सिक्स इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस सिक्स आ जाएगा. अब हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी ये x की फॉर्म में थी, तो ये x की पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी x की पावर, यानी x की पावर एक्चुअली y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1 ओवर 3 है, सो x की पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x की पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. अब आप ऐसा करें कि इस के यानी यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन के दोनों साइड पर क्यूब ले लें, यानी x की पावर 1 ओवर 3 का क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब आ जाएगा, सो यहाँ पे ये बेसिकली 3 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, सो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 की पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 729. बिल्कुल इसी तरह से x की पावर 1 ओवर 3 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 6 का क्यूब. अब यहाँ पे ये 1 ओवर 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 और 3, 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, सो x की x इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 216. सो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 729, एक 216. सो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है ये 729 और 216 बन जाएगा. क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी तमाम क्वेरीज के इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें. इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उससे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लेटेस्ट जो भी हमारी अपडेट हैं उससे भी आपको जो है ना वो इंफॉर्मेशन मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच.